एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और फिर से आ गए हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने और उनके प्यारे प्यारे जवाब देने। तो पहला कमेंट गोलू पढ़ने जा रही है जी। पहला कमेंट है बाबू ककरलिया की तरफ से, सल्यूट है नितिन भाई आपको, जो चीकू जैसा बच्चा को संभालना। पायल दीदी तो चीकू, जब चीकू परेशान करता है नितिन भैया तो संभाल देती है, नितिन भैया को दे देती है, संभाल देती है। ऐसा कुछ नहीं है, चीकू को मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, पर वो बहुत ज्यादा नॉटी है। तो पर ऐसा कुछ नहीं है, नितिन जब नहीं संभाल पाता है ना तब चीकू को मैं ही संभालती हूँ। गाइस मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, अगली बार दिखाऊंगी। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट है रोहिणी पवारा का। यार आज मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, अचानक से चीकू वाला व्लॉग देखा और टेंशन गायब हो गई। मैं भूल गई कि मेरे को टेंशन किस चीज की थी, बहुत ही मजा आया यार, सच्ची लव यू चीकुड़ी। अब मेरे को ये तो नहीं पता आपने चीकू का कौन सा व्लॉग देखा, लेकिन उसके जितने भी व्लॉग्स होते हैं ना, अगर आपने पीछे के व्लॉग्स नहीं देखे ना तो पीछे के व्लॉग जरूर जाके देखना। उसके सारे व्लॉग्स जो है नितिन भैया बहुत एंटरटेनिंग बनाते हैं, हंसी मजाक वाले बनाते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है शिखा सुमित का, नाइस वीडियो दी, हमारी पूरी फैमिली आपकी वीडियो देखती है और बहुत मजा आता है आपकी वीडियो देखकर, आपका बेटा बहुत क्यूट है, चीकू और आने वाले बच्चे भी चीकू की तरह क्यूट हो, लव यू दी, आपकी पूरी फैमिली, भगवान हमेशा हैप्पी रखे, खुश रखे। तो गाइज मैंने चीकू की फोटो इसलिए लगा रखी क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी हमारे बच्चे हैं तीनों के तीनों चीकू पे जाए, क्योंकि चीकू बहुत ज्यादा क्यूट था बचपन में। बाकी सारे बच्चे भी क्यूट होते हैं, बट हमने चीकू को सामने से देखा है इसलिए ज्यादा क्यूट लगता है। तो इतने प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट कमेंट है खुशबू आरिफ का, बहुत मजा आता है व्लॉग देखकर, सुबह देखते ही पूरा दिन मिस करते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपको इतना अच्छा लगता है व्लॉग देख के। हम लोग भी ट्राई करते हैं कि जितना हो सके व्लॉग बनाए, मतलब ऑलमोस्ट हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ कंचन दुबे व्लॉग्स का। अभी चीकू बस है तब ये हाल है, और तीन हो जाएंगे तब क्या होगा, तब हम पागल हो जाएंगे, तब का तब सोचेंगे। पर देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो कल वाले व्लॉग की वजह से शायद मुझे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, जब मैंने ये बोला था कि चीकू बहुत इरिटेट करता है, तो वो मैंने देखो दिल से नहीं बोला था, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ। तो गाइस ये कंटेंट था मजाक वाला। HP JPT कमीशन प्रिपरेशन का है नेक्स्ट कमेंट। ओ भाई हंस हंस के बुरे हाल हो गए, इंग्लिश चैलेंज देखकर मेरी इंग्लिश भी सेम है आप लोगों की तरह, बस मुझे ये नहीं लगा कि मेरे ही लेवल की इंग्लिश बोल रहे हो आप सब, काश मैं भी होती इस चैलेंज में। तो ऐसा है कि हमें देखो इंग्लिश समझ में आती है पर बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पर नितिन भैया ने चैलेंज दे दिया था तो हम दोनों को चैलेंज दिया था, खुद हिंदी में बात कर रहा था, हम दोनों को इंग्लिश में बात करवानी थी। तो अब भरे मॉल के बीच में ये सोचो, हम पॉपकॉर्न भी ले रहे थे वहां पे, स्वीट कॉर्न भी ले रहे थे, और उस स्वीट कॉर्न वाले से हम उसी टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। और नेक्स्ट कमेंट है धर्मा सिंह का, एक व्लॉग हरियाणवी लैंग्वेज में भी बनाओ। हरियाणवी लैंग्वेज में भी हमने ये व्लॉग बना रखा है। तो गाइस ये वाला जो व्लॉग होगा ना हरियाणवी लैंग्वेज वाला, बहुत ही मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती हरियाणवी, समझ आती है बट बोलना तो दूर दूर की बात है। तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे हम। नेक्स्ट कमेंट है सना आर्या का, सबसे मस्त नितिन भैया की इंग्लिश लग रही है यार, गजब नितिन भैया। तो नितिन भैया अभी व्लॉग बना रहे हैं तो नितिन भैया वहां से जवाब दे सकते हैं इस चीज। अभी मैं बीच बीच में कर रहा था आपसे बात। थैंक यू सो मच, बोला था आपने नहीं, सिस्टर नहीं कर रहा। नेक्स्ट कमेंट है कनिष्का ठाकुर का, चीकू को सबसे ज्यादा नितिन तंग करता है, दैट्स व्हाई चीकू वांट्स टू ड्रिंक द ब्लड, ओनली ही वांट टू ड्रिंक नितिन ब्लड। अच्छा अच्छा आपने बोला था ना ब्लड, ही वांट ब्लड, मैंने कहा था ना ब्लड, खून पी ले खून। नेक्स्ट कमेंट है गीता चौहान का, हाय पायल मैम, गोलू मैम, आप लोग सबको कितना ख्याल रखते हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हो, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर, गॉड ब्लेस यू मलिक फैमिली। गीता जी थैंक यू सो मच, आपको हमारा प्यार अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, और आपका कमेंट भी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट कमेंट है महीन शैयद का, आप दोनों ठंडा बासी खाना गरम करके मत खाया करो, जो भी खाओ गरम खाया करो, और खिचड़ी तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं खाया करो, क्योंकि बच्चे वजन से ज्यादा उसके साथ जो प्लासेंटा जुड़ा होता है उसका वजन बढ़ जाता है। पर खिचड़ी तो हमने बासी खाई नहीं, और खाना हमने बासा खाना बंद कर दिया है, पर फिर भी थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए, क्योंकि आप याद दिलाते रहते हो कि नहीं खाना नहीं खाना। नेक्स्ट कमेंट है रितु वर्मा का, दीदी आप लोग
अभी सोयाबीन नहीं खानी चाहिए, बहुत गर्मी करते हैं प्रेगनेंसी में, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखो। और दाल भी ठंडी मत खाया करो क्योंकि एसिडिक हो जाती है उससे, और जहां तक पॉसिबल हो वहां तक ठंडी चीजें खाना अवॉइड करो। रात को खाना रोटी छोड़कर सुबह मत खाया करो प्लीज दी, प्लीज ध्यान रखो अपना और बुरा ना मानना, ध्यान रखना। जी बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं मान रहे आप, क्योंकि हमारे भले के लिए ही इतने बड़े बड़े कमेंट्स करते हो हमें बताने के लिए कि हमें ये चीज करनी चाहिए ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो इस चीज का हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। और इवन हमें अच्छा लगता है कि आप इतनी केयर करते हो, हमें सारी चीजें बता दे कि हमें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट है शेख आशा का, प्रेग्नेंट पिलो ऑनलाइन बुक करो पाइल, थोड़ा बड़ा वाला आएगा नेक पिलो के साथ में आएगा। तो गाइस जो प्रेगनेंसी पिलो था ना उसके साथ इतना बड़ा हमारा पोपट हो गया, हमें चाहिए कुछ और था, मिल कुछ और गया, बट और वो इतना कॉस्टली मिला गाइस। तो आपको कल के ब्लॉग में शायद हमने प्राइस नहीं बताया उसका, मैं आज के ब्लॉग में उसका प्राइस बता देती हूँ। वो हमें मिला 4500 रुपीज का, और जिसको लेने मतलब हमने जब लिया था ना, जब ने बिल नहीं किया था उससे पहले हमने उसका MRP नहीं देखा था, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमने ऑनलाइन देखे थे, हमें पता था 2500 का है 2025, और लेकिन वो इतना ज्यादा महंगा था। और जब बिलिंग काउंटर पे पहुंच गए ना, उन्होंने हमारा कार्ड ले लिया हमसे, तब मैंने उससे प्राइस पूछा कितने का, करने वाले जब उसने बोला 4500 रुपए, तो हमारे थोड़े से होश उड़ गए थे, फिर भी हमने ले लिया कि अब बिलिंग काउंटर तक पहुंच गए और नहीं लिया, तो इसलिए ले लिया गाइस हमने। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट है दिशा ठाकुर का, आज मैंने सपना देखा है मॉर्निंग में कृतिका दी को बेबी बॉय हुआ है। तो थैंक यू गाइज, आपको मेरे सपने भी आते हैं, बेबी गर्ल हो बेबी बॉय हो, बस यही है भगवान से यही विश है कि हेल्दी हो। बाकी हमें वैसे देखो हमारा जो दिल है वो तो ये है बोलने का कि बेबी गर्ल हो, बाकी भगवान जी के ऊपर। देखो तीन बच्चे होने, तीनों में से एक तो बेबी गर्ल हो, एक नहीं तो दो बेबी गर्ल हो, एक बॉय हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है प्रिया दुआ का, पायल दी आपके डार्क सर्कल बहुत हो गए हैं, आप प्लीज प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान रखना। हाँ मेरे हो गए गाइस, ये बिल्कुल सही कहा आपने, एक शॉट तो मैंने बिल्कुल क्लोज से लिया था इधर से, तो उसमें तो मैं इतनी गंदी भूतनी लग रही थी, मैंने वो शॉट ही काट दिया था, बाद में मैं खुद को देख के डर गई थी अपने आप को। डार्क सर्कल प्रेगनेंसी की वजह से होते हैं, मे बी डार्क, पहली प्रेगनेंसी में भी मुझे हुए थे डार्क सर्कल, तो शायद इसलिए हो गए। सबकी अपनी अपनी होता है। तो नेक्स्ट कमेंट है डिंकी भोला का, सच में पायल जी हमें देखकर इतना अच्छा लगा, आप अपने घर के लिए कितना कुछ सोचते हो, ये भी संभाल लो, वो भी लूंगी, अच्छा लगेगा, बहुत तरक्की करोगे आप, आपको एक छोटी छोटी चीजें देखकर घर पर ये चीजें जरूरी है, ये चीजें अच्छी लगेगी, हमें अच्छा लगता है देखकर बहुत, हमें भी अपना घर नया बनाना है, हमें भी ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी चीजें आपको देखकर। बिल्कुल डिंकी भोला जी, हमें घर सजाने का बहुत शौक है, और ये शौक मुझे अभी आया है क्योंकि पहले शौक नहीं था इतना। और हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं तो हम हमेशा ना घर के लिए कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो ये जो इंटरेस्ट है ना मुझे पायल की वजह से आया है, क्योंकि गाइस मेरा ना बचपन से, क्योंकि हम लोग चार बहनें हैं घर में, तो दो बहनों की शादी हो गई थी, तो दो बहनें हम रह गई थी, तो पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी ना मैं हम दोनों बहनों के ऊपर थी, तो पूरे घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, छोटा सा घर होता था, छोटे से घर में इतना सारा सामान सेट करना कि कोई बाहर से गेस्ट आए उसे दिखे ना कि सामान एक्स्ट्रा इधर उधर पड़ा है, तो सफाई की ज्यादा मैंने अपने घर से सीखा है, इसलिए वही अभी कंटिन्यू है। नेक्स्ट कमेंट है डिंकी भोला का, दोबारा से पढ़ रही हूँ मैं, जो प्रेगनेंसी पिलो देख रहे हो ऐसा नहीं होता है, और इस चावन से ऑनलाइन मंगाया है बहुत अच्छा है, और इस चैवन से ऑनलाइन मंगाया बहुत अच्छा है, वो पूरा कंफर्टेबल है। तो गाइस देखो कभी कभी चीजें हम भी गलत ले लेते हैं, बट हर चीज शेयर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रेगनेंसी पिलो का एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारा अच्छा नहीं, पर गाइस वैसे वो रात को गोलू लेके सोई थी, वो मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं सो रही हूँ उसको लेके, क्योंकि मैं चीकू को हक करके सोती हूँ, वो मुझे आदत है, तो आगे आगे जाके ना मैं क्या करूंगी, वही सेम जो मैं लेके आई हूँ ना वो मैं एक गद्दे वाले को दे दूंगी, वो बना के दे देगा, वही वाला हम घर वैसे सोचा, हमने बाहर से बनवा लेंगे सस्ता पड़ेगा। और नेक्स्ट कमेंट है डिंकी भोला का दोबारा, पायल जी आप लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हो, हर लुक में अच्छे लगते हो। अच्छा हाँ मैं कट कराने की सोच रही थी पर अब नहीं कट कराऊंगी। नेक्स्ट कमेंट है शिवानी नामा, शकरकंदी को लंबा लंबा काट के घी में फ्राई करके खाने में और भी अच्छी लगती है, पर शिवानी जी ऐसा है कि हमें खांसी है, तो इस वजह से हम घी का प्रयोग जो है वो शकरकंदी में नहीं किया हमने, लेकिन जिस तरीके से मैंने शकरकंदी बनाई थी एक बार आप ट्राई करना, सच में उसकी मिठास और भी ज्यादा बढ़ गई थी और बहुत टेस्टी थी वो। नेक्स्ट कमेंट है नितिन गौरव का, when will be your baby shower of both because we are excited for babies, पायल एंड गोलू दीदी प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बेबी। थैंक यू सो मच नितिन जी, बहुत ही अच्छा आपका कमेंट है, और हमारा जो बेबी शावर होगा वो होगा फेब में, पर डेट अभी फिक्स नहीं है, डेट जब भी फिक्स होगी हम जरूर बताएंगे ब्लॉग में। नेक्स्ट कमेंट है मेघा घर का, बहुत अच्छा पिलो है, और पायल जी आप घर का डेकोरेशन बहुत अच्छा करती हैं, घर को आपने बहुत अच्छे से सजाया है, वाकई आपकी
की तारीफ करने से मन नहीं भरता। गोलू जी, पायल जी आप बहुत क्यूट हैं, हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है। चीकू बहुत अच्छा बच्चा है, भगवान करे आपके बच्चे बहुत क्यूट क्यूट हों। हमें बहुत इंतजार है आपके बच्चों का, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच मेघा जी, आपका ये जो कमेंट है वो बहुत ही प्यारा है। और देखो, एक औरत का ना सपना होता है कि उसका अपना घर हो, तो वो अपने घर को कैसे डेकोरेट करे, तो बस वही है कि मेरे को भी घर की डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है। घर की क्या मतलब, खुद भी अच्छा बन के रहना बहुत अच्छा लगता है। और जिसका साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब हम हर चीज को साफ करते रहते हैं अपने घर में, और तब तक मजा ही नहीं आता जब तक कोई गेस्ट आए और आके बोले वाह क्या घर है, तो तब तक मजा नहीं आता। इसलिए हम अपने घर को जो है बहुत अच्छे से चमका के सजा के रखते हैं। तो बस आज ये लास्ट था मेघा जी का कमेंट। कल फिर मिलते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ, और ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। जिसने अभी तक हमारा गाना कानपुरी असला नहीं देखा है, जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे कानपुरी असला देख लीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। और 8 तारीख को एक और गाना आने वाला है। जिसने नंबर 1 रिकॉर्ड्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।